अब ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम की को बाहर निकालेंगे। ये की हमारा इंपेलर की कहते हैं इसको, ये हमारा इंपेलर की निकल चुका है। बिल्कुल हम लोग एक एक पार्ट्स को अरेंज करके रखेंगे। अब ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग वॉयल सील कवर कहते हैं। अब इसके एडाप्टर को खोलेंगे हम। एडाप्टर को ये इसे एडाप्टर भी कह सकते हो या आप अपर हाउसिंग भी कह सकते हो। तो अब हम इसको खोलेंगे। तो इसको खोलने के लिए हमें एक ओपन एंड स्पैनर की ज़रूरत होगी और रिंग स्पैनर की ज़रूरत होगी। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको खोलेंगे। सारे नट्स खोलने के बाद अब इस एडाप्टर को मोटर से अलग करने के लिए हमें हैमर और हेवी स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी। हम इन दोनों के बीच में हल्का सा चोक मारेंगे। ये हट चुका है और इस तरह से हम लोग धीरे से इसको बाहर कर लेंगे। अब आपको इसमें देख रहा होगा ये सील चैम्बर हो गया हमारा, इसमें वॉयल सील लगा हुआ है और ये जो देख रहे हो ये बूस होता है, इसको हम लोग बूस कहते हैं। इसको कार्बन बूस भी कह सकते हैं या अपर बूस भी कह सकते हैं। बिल्कुल हम इसको अच्छे से इसको अरेंज करके रख दें। अब हम लोग मोटर के पीछे की तरफ चलेंगे। अब हमें ये जो आप लोअर हाउसिंग देख रहे हो, इस लोअर हाउसिंग को हमें निकालना होगा। तो लोअर हाउसिंग को निकालने के लिए हमें दो टूल्स की जरूरत होगी, ओपन एंड या रिंग स्पैनर, जिसकी मदद से इस ये जो नट है इस नट को हम लूज करेंगे और इसको इट्स पार्ट को अलग करें। सारे बोल्ट को हमने खोल लिया है। अब इसको धीरे से ये लोअर हाउसिंग को हम लोग बाहर निकालेंगे। लोअर हाउसिंग को निकालने से पहले आपको ये जो केबल क्लिप देख रहे हो, स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको पहले तो इसको केबल क्लिप को आपको निकाल देना होगा। ये हमारा केबल क्लिप है, ये हमारा दो स्क्रू है जो कि एक केबल क्लिप को इस लोअर हाउसिंग से टाइट करता है, केबल क्लिप को। अब ये जो आप देख रहे हो ये हमारा ग्रोमेट रबर है, इसको आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से, जब तक आप इस ग्रोमेट रबर को नहीं निकालोगे आपका तार जो है लूज नहीं होगा, आपका केबल लूज नहीं होगा। फिर जब तक केबल लूज नहीं होगा ये पूरी तरह से आप इसको बाहर नहीं निकाल पाओगे। तो इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको निकालेंगे। अब ये स्क्रू ड्राइवर से हमने ग्रोमेट रबर को निकाल लिया है। ग्रोमेट रबर को निकालते समय हम ध्यान रखेंगे कि हमारा केबल जो है कहीं स्क्रू ड्राइवर से कट ना हो और ये रबर भी नहीं कटना चाहिए। ग्रोमेट रबर को हमने निकाल लिया है। अब क्या होगा, ये लूज हो गया है। अब ये तार को हम अंदर की तरफ कर सकते हैं जिससे हमारा लोअर हाउसिंग जो है वो बाहर आ जाएगा। आप देख रहे हो ये हमारा जो है ये थ्रस्ट पैड बेयरिंग है, ये थ्रस्ट बेयरिंग है ये हमारा, और ये हमारा थ्रस्ट पैड है। ये थ्रस्ट पैड घूमता है इस थ्रस्ट बेयरिंग के ऊपर और फ्रिक्शन को कम करता है। इसमें हम लोग बॉल बेयरिंग नहीं लगाते हैं मोटर में, इसमें हम लोग थ्रस्ट बेयरिंग को लगाते हैं। अब हम लोग ये आप देख रहे हो, इसको हम लोग थ्रस्ट पैड लॉक नट कहते हैं। इसको हम लोग खोलेंगे। इसको खोलने के लिए हमें 30 साइज के ओपन एंड स्पैनर की जरूरत होगी। अब इसको हम लोग खोलेंगे। इसको खोलने के लिए सबसे पहले हम शाफ्ट को लॉक कर लेंगे और इसको इस लॉक करने के बाद हम इसको 30 नंबर का ओपन स्पैनर लगेगा और इसको हम खोलेंगे।